सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के मेयर कुलदीप जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और एक जीत बड़ी जीत के तौर पर इसको देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आप देख तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुलदीप जो है यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता और पार्षदों के साथ जो है यहाँ पर पंजाब भवन में यहाँ पर पहुँचे हुए और खूब यहाँ पर जश्न के तौर पर जश्न मनाया है और पार्टी के सिर्फ जितने भी नेता हैं बड़े वो एक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी की एक कड़ी हार जो है वो चंडीगढ़ यहाँ पर हुई है और मेयर चुनाव पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं या यूं कहें कि मुखिया जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी ट्वीट किया और साफ तौर पर कहा कि एक बड़ी जीत है, सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते के करते हुए उन्होंने ट्वीट किया। वहीं भगवान मान ने भी ट्वीट किया। ये सच्चाई की जीत है और ये लोकतंत्र की जीत है, आप लोगों की जीत है। मीडिया ने ही ये उजागर किया था किस तरह से इन लोगों ने मतलब धंधाली की है बीजेपी वालों ने, तो वो जो आज है लोकतंत्र की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आपको मेयर घोषित कर दिया, अब क्या लगता है कि चंडीगढ़ के लिए आप क्या काम करेंगे विकास का? विकास के काम को किस तरह आप चंडीगढ़ के आप आगे बढ़ाएंगे? चंडीगढ़ के विकास कार्य जैसे रुके हुए कार्य हैं वो सभी किए जाएंगे और जिस तरह से इन्होंने पहले देखा ही होगा आपने 9 साल के अंदर इन्होंने किस तरह से चंडीगढ़ को नंबर 66 पे लेके आ गए थे रैंकिंग में और हम उसे नंबर 1 पे लेके आएंगे दोबारा। चलो भाई, सीधे तौर पर कुलदीप जो है उन्होंने अपना विजन भी दे दिया कि चंडीगढ़ को दोबारा नंबर 1 पर लाएंगे और जो जीत हुई है वो सत्य की जीत हुई है, अब बीजेपी की करारी हार है। तो सीधे तौर पर जो कुलदीप जो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेयर घोषित किए गए हैं चेहरे पर साफ तौर पर खुशी दिख रही है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और जश्न का माहौल आम आदमी पार्टी के यहां पर देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ अमित पांडे, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।